हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम जा रहे हैं बड़े पत्थर के ट्रैक पे जो कि लामाडुग के रास्ते में पड़ता है। और ये जो गर्ल्स आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से आए हैं, इन्होंने यूट्यूब पे हमारा वीडियोस देखा था और हमसे कांटेक्ट किया, होटल भी लिया, टैक्सी, तो इनसे जानते हैं ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही। और पूरी वीडियो देखना, दिखाएंगे रास्ता कैसा है, यहाँ कैसे आप लोग जा सकते हैं और कैसा वहाँ से व्यू आता है। सो हमने जैसे कि ऑनलाइन चेक किया था तो हमको इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा, इनके लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। हमने फिर इनके उनसे कांटेक्ट किया, हमने इनके होटल में रहा था, हमको इनका होटल सर्विस बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे बेस्ट जो लगी वो यहाँ का सब कुछ व्यू जो है बहुत अच्छा है, जिसके वजह से ये व्यू इतना अच्छा है ना कि वर्ल्ड का बेस्ट व्यू लग रहा है, जिसको देख के हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एंड हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, सर्विस सब कुछ इतनी अच्छी थी, यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। सो बहुत मजा आया एंड आई वांट कि आप सभी भी आए अगर वीडियो को देख रहे हैं तो, और एंजॉय करें। सो व्हाट अबाउट यू सुनैना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के भी बहुत सही है। हेलो, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने इनका यूट्यूब पे वीडियो देखा था बड़े पत्थर का, तो स्पेशली मैंने इन सबको कहा कि कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड अभी देखो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, बताते हैं आगे कैसा रहता है जर्नी में, बड़ा अच्छा लग रहा है। नई वीडियो में स्वागत है आपका। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि मुझे है, इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था बड़े पत्थर का और जो है उस ट्रैक के लिए आए हैं, इनके साथ और भी फ्रेंड्स हैं। पूरी वीडियो देखिए, हम बताएंगे कैसा रहता है और जानते हैं इनका स्टार्टिंग फेज जो है कैसा रहता है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैंने इनका ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक बड़े पत्थर का, तो हमने वहाँ से इनको कॉन्टैक्ट किया और घूमने का मनाली तो वैसे भी शौक है, एंड देखो आज ही हम फिर घुमाने लेके आ रहे हैं। अच्छा बहुत लग रहा है, मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी आप भी आओ, इनसे कांटेक्ट करो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी, तो देखते हैं दोस्तों कैसा है ये ट्रैक। अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, बस देखते थकते हैं कि नहीं। आज डेट है 11 नवंबर 2022 और हम जा रहे हैं बड़े पत्थर के ट्रैक पे। बड़ा पत्थर का ट्रैक एक सबसे शानदार ट्रैक है जो आप मनाली में कर सकते हैं। वैसे तो मनाली में बहुत सारे ट्रैक्स हैं और ये ट्रैक बहुत कम पॉपुलर है, बट ये लामाडुग जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप जाते हैं तो वन साइड 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और ये ट्रैक शुरू होता है हडिम्बा मंदिर के पीछे जो जंगल है उसमें से। तो हमारे साथ चंडीगढ़ से ये ग्रुप आया था, साथ में योगेश है लड़का, हमारे होटल का ही स्टाफ, साथ में मैं हूँ और ये पीछे सिमी जी। तो हमारे जो ग्रुप में दूसरे मेंबर है उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है आरजू जी। और हम ट्रैक के ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक हमने कर लिया है, तो बीच का रास्ता कैसा रहा जानते हैं इनसे। हाय गाइस, इट वाज सो फैब एंड ऑसम, थोड़ा सांस फूल गए आधे रास्ते भी आते, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस टाइम बहुत ठंड है, मुझे जल्दी से ठंड भी नहीं लग रही है, एंड इट वाज सो नाइस। आगे जाके देखते हैं मेन क्या लोकेशन है। तो हम ट्रैक पे निकल पड़े। स्टार्टिंग फेज तो बड़ा ही इजी था, शुरू में 500 से 700 मीटर का ट्रैक तो बिल्कुल ही इजी है, ऐसे लगता है कि बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से पहुंच जाएंगे। हर कोई मस्ती में था, मस्ती करते हुए जा रहे थे, बट उसके कुछ देर बाद जो है चढ़ाई शुरू होती है। रास्ता जो है पानी की वजह से ज़्यादातर कट चुका है, उसके बीच में से रास्ता बनाते हुए हम लोग जो है आगे चल पड़े। और ये देखो हर कोई जोश में चलता जा रहा है, केवल सीमा जी को छोड़ के। ये देखो पेड़ के पीछे अभी छुपने वाले हैं कि वीडियो में ना पता लगे किसी को कि सबसे लास्ट में मैं ही थी ट्रैक में। तो दोस्तों अभी ट्रैक का रास्ता रह गया है 10 मिनट का, और हमारे जो तीसरे मेंबर है सुनैना जी, इनसे जानते हैं कैसा रास्ता है। सांस फूल रहा है सभी का। हेलो गाइस, बहुत ऑसम है, बस थोड़ा ही रह गया है, अब आगे देखते हैं जाके। और ये सांस फूल रहा है पूरा। हर 5-10 मिनट में के बाद पूछते हैं ट्रैक कितना रह गया है, और हर बार एक ही जवाब देना पड़ता है, बस 5 मिनट का। और ऐसा सुनते ही हर कोई जो है फिर से जोश में आ जाता है और चलना शुरू करते हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रैक है ये, और जंगल के बीच में से जाते हुए बाद में जो व्यू मिलेगा उस वो कहने सुनने से परे ही है।
टीम जो हम 4 गर्ल्स आई हैं, 4th मेंबर मैं हूँ। एंड ये जो ट्रिप है वो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि यूट्यूब पर मैंने ये चैनल देखा था जिसमें काफ़ी अच्छे वीडियोज अपलोडेड थे। एंड गाइज मैं ट्रूबी फ्रेंड, मैं सच बताऊँ तो मुझे ये सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा है। पता ही नहीं लग रहा कि मेरे 2 से 3 दिन यहाँ कैसे जल्दी से गुजर गए और यहाँ एकदम फैमिली वाली वाइब्स आ रही है और सब कुछ एक सपने की तरह है। मैं इस लोकेशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सेम एक्सपीरियंस मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली योगेश जी को, उनको हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे, राइट? यस, क्योंकि 4 गर्ल्स थे बेसिकली ट्रिप पे और थोड़ा नर्वस थे, डर रहे थे कि अब गर्ल्स हैं कहीं प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आ जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ही हम गलत थे और हमें बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फैमिली वाइब्स हैं। जैसे होटल के ऑनर हैं मुकेश सर एंड होटल स्टाफ भी हमारे साथ, तो उन दोनों ने हमें इतना अच्छा फील कराया कि हमें फील ही नहीं हुआ कि हम अकेले आए हैं, गर्ल्स हैं, सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ इतना परफेक्ट था ना। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि आप सभी आओ एंड आप खुद एक्सपीरियंस करो, पता लगेगा, आपको भी पता चलेगा। हम ज्यादा बोलेंगे, हमें तो अच्छा लग रहा, देखो। यस, बट पर्सनल सजेस्ट करूंगी एक बार आप आकर ट्राई करके देखो। और ये जो स्पेशली जो व्यू है, राइट? यस राइट, हम लोग इसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आई थिंक हम 4-5 महीने इसी में घूम रहेंगे मनाली में, और अभी जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बट नेक्स्ट टाइम भी हमें जाना पड़ेगा। अभी रास्ता रह गया है 10 से 15 मिनट का लगभग, हम ऑलमोस्ट जो है बड़े पत्थर के पास पहुंचने वाले हैं और हर कोई अभी जोश में है। जैसे ही पता लगा है कि जो है बड़े पत्थर के हम बिल्कुल बेहद नज़दीक में पहुंच गए हैं, हर किसी को एकदम से जोश आ जाता है और ये बस आखिरी पड़ाव, और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे बड़े पत्थर पे और वहाँ से जो व्यू आएगा बहुत ही कमाल का व्यू है। सारी की सारी माउंटेन्स वहाँ से दिखाई देगी, पूरा मनाली वहाँ से एकदम क्लियरली दिखाई देता है। तो अगर आपको भी ऐसे ट्रैक का मज़ा लेना है, आपके मन में भी इच्छा है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए और जो है निकल पड़िए मनाली के लिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मनाली का ये आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि सारी उम्र जो है आप इस ट्रैक को याद रखेंगे। और ये हमारे आखिरी मेंबर भी धीरे धीरे थक चुके हैं, लेकिन जो है हर कोई इस ट्रैक को बड़े आराम से कंप्लीट करेगा, रास्ते में किसी को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बड़े पत्थर पे पहुंच गए हैं, व्यू मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले जो पहुंचे हैं सुनैना जी, इनसे जानते हैं पूरे रास्ते का एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ से व्यू भी दिखाएंगे आपको। हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच गए बड़ा पत्थर, ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑसम, तो पूरी सांस फूली पड़ी है। और अभी दूसरे कंटेस्टेंट भी पहुंच गए हमारे, प्रिंसी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ थक रहे हैं बट इट वाज नाइस, अच्छा लग रहा, पता चल रहा है कितने मोटे हो गए एंड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आने से पहले सबने ओमेगा 3 भी खाना है ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। ट्रैक पे आने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हो गया है, तो आने से पहले खा के रखें ताकि मेरे जैसे कंडीशन ना हो। और हमारे साथ जो एक और मेंबर थे मिस्टर योगेश, हाँ मिस्टर योगेश, वो जो है बड़े पत्थर पे पहुंच गए हैं, ये देखो ये जीत गए हैं। हाँ, और हमें जलन हो रही है इनसे। हाँ, अभी हम सभी लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा, आपको भी दिखाते हैं। हाय गाइस, ये देखो ये बड़ा पत्थर और कैमरा इधर करो, वो देखो व्यू यहाँ से कितना सही लग रहा है, माउंटेन और मनाली के छोटे छोटे घर यहाँ से दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, आप भी विजिट करें, बहुत ज्यादा ऑसम फीलिंग आ रही है। और ये जो सन रेज पड़ रही है अभी स्नो के ऊपर, एकदम से ऐसी फील आ रहा है जैसे वो माउंटेन स्नो की ना होके गोल्ड की बनी हुई हो, ये आप भी देख पा रहे होंगे शायद वीडियोस में। और ये बड़े पत्थर का ट्रैक बहुत इजी है, हडिम्बा टेंपल से शुरू होता है और ये देखो पूरा मनाली एकदम क्लियरली आपको यहाँ से नज़र आता है। और अभी हमारे दो साथी और पीछे थे वो भी आ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से कम्प्लीट मनाली हम जिसको देख पा रहे हैं और यहाँ से ऊपर का पूरे पहाड़ एंड ऑल जो हम देख रहे हैं पूरे मनाली में, इसका व्यू बहुत नाइस है, यहाँ के पेड़ भी बहुत अच्छे हैं और ट्रैकिंग बहुत इजी है, हडिम्बा टेंपल से यहाँ की ट्रैकिंग है और हमारे होटल से बहुत नज़दीक है जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी हुई है ट्रैकिंग करने के लिए। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं एंड
ट्रैकिंग मेरे लिए थोड़ी सी टफ थी, बट अब मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि जो व्यू है वर्थ थी इसकी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे होटल से पास था तो हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। एंड अब फाइनली पहुँच चुके हैं और यहाँ से व्यू एकदम परफेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हो व्यू अगर आप आओगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम। बस इतना ही कहना चाहूँगी आप, बाकी चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। मुझे भी ऊपर ले लो कहीं। रुक तो जा, बस मैं नहीं सक जाऊंगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? ये ट्रैक बहुत प्यारा है और यहाँ से इस पत्थर पे बैठ के जो है आपको एकदम से ऐसी फीलिंग आती है आप आसमान में पहुँच चुके हैं। ये देखो व्यू यहाँ से बहुत प्यारा है, सारी की सारी मनाली की माउंटेन्स, पूरा मनाली यहाँ से दिखाई देता है और हडिम्बा टेम्पल से केवल आपको 1 आवर लगेगा इसको पहुँचने में। बड़े आराम से बड़ा ईजी ट्रैक है और अगर आप लोग चाहते हैं इस ट्रैक को करना तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और हमारे साथ जैसे आपने वीडियो में देखा चारों गर्ल्स थी, तो इनसे जानते हैं इनको किसी भी ऐसी तरह की फीलिंग आई हो कि भी लड़कियां इस ट्रैक पे अकेले से नहीं आ सकती और कैसी हमारी सर्विस है फीमेल को लेके, तो वो इनसे जानते हैं एक बार। देखो हमारा तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक कर रहा है क्योंकि 4 गर्ल्स थी एंड काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस था। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो भी बेस्ट है एंड स्पेशली अगर आप सोलो ट्रिप पर आ रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप गर्ल्स ट्रिप बना रहे हो तो हाईली रिकमेंड करूँगी आप जरूर आओ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। गाइस इनका ट्रिप बहुत अच्छा है और गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप सोलो ट्रिप या गर्ल्स ट्रिप करते हो तो बहुत बेस्ट है। यहाँ का व्यू जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा है, यहाँ से हम पूरा मनाली कवर कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी जगह है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है गाइस, और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो गाइस पहली बात तो आप लोग क्या रेडी हो मनाली को देखने के लिए? क्योंकि मैं सबसे टॉप पे बैठी हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। सो मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, कैमरे से देखो एक बार ही मनाली कैसा लग रहा है आपका। मैं जानती हूँ आप सबका घर पे बैठे देख के इस वीडियो को आने का मन तो ज़रूर कर रहा होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आओ और देखो। गाइस मेरे को ना बहुत ज़्यादा फोबिया था ऐसे माउंटेन से, बट मुझे अभी बिल्कुल ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा घूम के। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को देखें और हमें सुने और इंजॉय करें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। शाम हो चुकी थी इस ट्रैक में, ठंड काफ़ी हो गई थी, तो आसपास से जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करके हमने कुछ देर आग जलाई, वहाँ पे बैठे कुछ देर, म्यूज़िक सुना हमने और साथ में हम लोग जो है गिटार लेके आए थे। हमारे बीच में एक आर्टिस्ट भी थे सीमा जी, उन्होंने जो है गिटार प्ले किया और खूब सारी मस्ती की और इन लोगों के साथ ये बहुत ही यादगार दिन था मेरा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं मनाली आने का, मनाली घूमने का, और ऐसी जगह मनाली में आप देखना चाहते हैं जो कि कम पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, दुनिया से बिल्कुल परे हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और आपका कैसा भी ग्रुप हो, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, चाहे फीमेल है मेल है, हर किसी को जो है हमारे साथ हमारी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी और 100% सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जो है आपका ये ट्रिप हम कंप्लीट करा के देंगे। और उसके बाद कुछ यादों में, कुछ म्यूजिक में हम खो जाते हैं। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई भी नॉन अगर मनाली का प्लान कर रहा है तो इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करना उनको। थैंक यू।